नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इंडियन प्राइम न्यूज के संपादक के खिलाफ कानपुर देहात के भोगनीपुर विधायक विनोद कटियार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। साथ ही पत्रकारों की लगातार हो रही हत्याएं और उन पर हो रहे फर्जी मुकदमा पर आर्यनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि अनेक सरकारें आईं और अनेक सरकारें गईं, लेकिन कभी पत्रकारिता पर हमला नहीं हुआ। पत्रकार साथियों का काम जनता के बीच निकलकर सच्चाई को दिखाना होता है और गलत खबर हो तो उस पर मामले की जाँच की जाए। पत्रकारों पर सीधे सीधे रिपोर्ट लिखाने की घटना लगातार बढ़ी है और ये बहुत ही निंदनीय है। ये अधिकारी का अहंकार, नेता का अहंकार और सत्ता में बैठे दल का अहंकार जो सर चढ़कर बोल रहा है। लोग पत्रकार पर दबाव बनाने के लिए, उनकी कलम को कमजोर करने के लिए मुकदमा का झूठा प्रयास कर रहे हैं। यह लोकतंत्र में उचित नहीं है और चौथे स्तंभ का हनन है। हम लोग और हमारी समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। इस सरकार का ये नया रूप है, ऐसा इसके पहले लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। अनेक सरकारें आई हैं, अनेक सरकारें गई हैं, लेकिन कभी पत्रकारिता पर हमला नहीं हुआ। पत्रकार साथियों का ये काम है कि जो जनता के बीच में से खबरें निकल के आएँ, जो सच्चाई उसको दिखाना, उस पर अगर कोई मामला है तो उस पर जाँच करी जा सकती है। नहीं, पत्रकारों पर सीधे रिपोर्ट लिखाने की घटनाएँ इधर लगातार बढ़ी हैं। अधिकारियों का अहंकार, नेताओं का अहंकार, सत्ताधारी दल का अहंकार, ये सर चढ़ के बोल रहा है। लगातार पत्रकारों पर लोग मुकदमों के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है और इसकी हम लोग निंदा करते हैं। जब एक पीड़ित होता है, अपनी शिकायत लेकर किसी थाने में जाता है तो उसको दसियों साल लग जाते हैं अपना एक मुकदमा पंजीकृत कराने में, लेकिन पत्रकार की जब बात आती है तो तुरंत मुकदमा लिख दिया जाता है, जो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। इसके बारे में ये इधर दौर बढ़ा है, ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था। जब तक ये, जब से लोकतंत्र में अहंकार आ गया है, ये सत्ता में जो संख्या बल का अहंकार है, जिन पार्टी के नेताओं को ये पता है कि जनता उनके काम से नहीं, भावनाओं के आधार पर, धर्म और जात के आधार पर वोट देगी, तब से इनके ऊपर नशा चढ़ गया है और ये लोग अपने हित साधने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं। पत्रकारों पर अधिकारी मुकदमे लिखवा दें, पत्रकारों पर नेता मुकदमे लिखवा दें, इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी और ये होनी भी नहीं चाहिए। और हम लोग सदैव जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनके साथ खड़े हैं और लोकतंत्र की शुचिता के साथ में हम लोग खड़े हैं। सर, जिस तरीके से लगातार मतलब पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं और काफ़ी लंबित मामले पड़े रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है और लगातार जो है पत्रकार अपनी कलम को जो है जो समाज का जो आईना है बोला जाता है, तो इसके बाद भी जो है उसको इस तरीके से सरकार भी नहीं ले रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार को गंभीरता लेना चाहिए। हम लोगों ने जो बिल्हौर में हमारे पत्रकार साथी की हत्या हुई थी, एक शुक्लागंज में पत्रकार साथी की हत्या हुई थी, एक हमारे अफीम कोठी में हत्या हुई थी, हम लोग सारे मामलों में हम लोगों ने आगे बढ़ करके साथ देने का काम किया है और हम लोग लगातार पत्रकार, जो खासतौर पर निष्पक्ष पत्रकार हैं, उनके साथ हैं। लेकिन फिर भी ये हमारा मानना है कि पत्रकारिता के विषय वस्तु पर कोई टिप्पणी हो, कोई बात हो तो कर लेनी चाहिए, लेकिन मुकदमेबाजी इसका सलूशन नहीं है और मुकदमेबाजी से अधिकारियों को, नेताओं को परहेज करना चाहिए। कम से कम पत्रकारों को एक माहौल देना चाहिए जिसमें वो निर्भीक होकर के अपनी पत्रकारिता को कर सकें।